हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूले हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो आज हम बात करने वाले हैं सी यू ई डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय में जो 2023 के एडमिशन होने वाले है, उसमें Science, हैं उसमें मास्टर्स ऑफ साइंस यानी एम के जितने भी कोर्सेज हैं जैसे कि एम एस बॉटनी केमिस्ट्री फॉरेंसिक साइंस और बायोटेक्नोलॉजी फ़िजिक्स और साथ ही में जो एम ए एम एस सी के भी जो कोर्सेज हैं जैसे साइकोलॉजी एम ए एम एस सी साइकोलॉजी एम ए एम एस सी योगिक साइंस एम ए एम एस सी एंथ्रोपोलॉजी एम एम एस सी जोग्राफी और एम ए एम एस सी मैथ्स तो ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं इनके कट ऑफ के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इससे पहले मैंने जो एम ए के सिर्फ एम ए जे के जो कोर्सेज होते हैं मास्टर्स ऑफ आर्ट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था तो अगर आप एम ए वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग उस वीडियो को चेक ज़रूर कर लेना आज हम बात कर रहे हैं एम एस सी के जो

और आगे बढ़ते हैं अब हम इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एम एस सी बॉटनी के बारे में तो एम एस सी बॉटनी में जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें थर्टी सेवन सीट्स अवेलेबल हैं ठीक है काफ़ी कम नंबर है सीट्स का थर्टी सेवन सीट्स हैं और आपने जो पेपर दिया होगा वो होगा एस की एस सी क्यू पी ज़ीरो सेवन और इसका पेपर पैटर्न भी आपने पच्चीस जनरल टेस्ट जनरल नॉलेज से क्वेश्चन दिए होंगे और सेवेंटी फाइव जो थे वो आपके डोमेन स्पेसिफिक यानी बॉटनी से ही पूछे गए होंगे और आपको पैटर्न पता है कि प्लस फोर मार्क्स आपको मिलेंगे एक करेक्ट आंसर पे और माइनस वन हो जाएगा आपके नेगेटिव आंसर पे ठीक है अगर आपका आंसर गलत है तो एक नंबर जो है वो आपका कट हो जाएगा और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा है तो आपको जीरो मार्क्स मिलेंगे यानी कुछ भी ना एड होगा ना डिलीट होगा ठीक है ये चीज़ है ये पेपर पैटर्न है ये आप सभी को पता है आप सभी एग्ज़ाम दे चुके हो तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताऊंगी 2022 के कंपैरिजन से तो एम एस सी बॉटनी में दो हज़ार बाईस में रहा था यू आर का वन सेवेंटी थ्री ई डब्ल्यू एस वन फोर्टी ओ बी सी वन फोर्टी सिक्स एस सी वन फोर्टी थ्री एस टी वन थर्टी नाइन पी डब्ल्यू डी सिक्सटी नाइन और डिफेंस का वन सिक्सटी एट ठीक है अब जब हम इस साल की बात करें यानी दो हजार तेईस में क्या हो सकता है कट ऑफ तो आपका 183 एट्टी थ्री यू आर का ईडब्ल्यू एस वन फिफ्टी ओ बी सी वन फिफ्टी सिक्स एस सी वन फिफ्टी थ्री डिफेंस वन सेवनटी एट अब ये जो कट ऑफ है देखो ये कट ऑफ मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है इस साल का हो सकता है डेफिनेटली तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं या इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म है ठीक है लेकिन अगर मान लो इससे थोड़े बहुत कम है दो चार नंबर नीचे भी है तो भी आपका एडमिशन होने के चांसेस है ये जो कट ऑफ है मैं आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ क्योंकि आप खुद देख सकते हो सीट कितनी कम है थर्टी सेवन सीट है तो फर्स्ट काउंसलिंग में भरने के चांसेस रहते हैं तो अगर किसी स्टूडेंट ने मान लो कि एडमिशन कैंसिल करा लिया या फिर जो है कुछ सीट एम रह गए कुछ कैटेगरी में हो सकता है कि स्टूडेंट नहीं है तो उसको यूआर में कन्वर्ट कर दिया फिर जो भी वह प्रेजेंट होगा उसको वो सीट दे दी ऐसे केस में फिर सेकेंड थर्ड काउंसलिंग होने के चांसेस रहते हैं तो एडमिशन जो है वो मिल जाता है ठीक है ये चीज़ क्लियर हो गई अब हम हाँ बात करेंगे दूसरे कोर्स की जो कि है यहाँ पर एम एस सी एंथ्रोपोलॉजी एम एम दोनों होता है इस कोर्स में आपको मिल जाएगा एम एम एस एंथ्रोपोलॉजी में टोटल ट्वेंटी फाइव सीट्स और मैं बता दूं कि ये पच्चीस सीट भी पूरी कभी नहीं भरती है ठीक है इस कोर्स में तो बहुत ही आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें बहुत सीट खाली रह जाती है तो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव आपके वही आपने जनरल नॉलेज के दिए होंगे सेवेंटी फाइव आपके स्पेसिफिक नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे डोमेन स्पेसिफिक आए होंगे तो ये था प्लस फोर आपको दिया जाएगा राइट आंसर पे और माइनस वन आपको रॉन्ग आंसर पे ठीक है ये पैटर्न था ये सब आप एग्जाम दे चुके होंगे तो एम ए दोनों ही दिया जाता है इसमें दोनों ही मिला के यहाँ पे ट्वेंटी फाइव सीट है एंथ्रोपोलॉजी में अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के कट ऑफ से क्योंकि इसके पहले जो है इसके पहले तो सी नहीं होता था यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस होता था दो से ही सी स्टार्ट हुआ है तो लास्ट ईयर था यू का वन थर्टी थ्री ईडब्ल्यू एस वन जीरो थ्री ओ बी सी एटी फोर एस सी एटी नाइन एस टी वन ट्विटी नाइन और पीडब्ल्यू डी ओ डिफेंस में कोई नहीं था तो यहाँ यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो 2023 में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूआर का हो सकता है 143, EWS 113, OBC 94, SC 99, ST 139, डिफेंस और BWD का अगेन यहाँ पे नहीं, कुछ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जो कट ऑफ है ये मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आएगी वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा अगर आपके इतने मार्क्स हैं या फिर इससे थोड़े से ज्यादा या तो ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो हो ही गया आपका लेकिन अगर इससे थोड़े कम भी है ना तो भी आपके चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन मिलने के तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसके बाद में सेकंड काउंसलिंग भी होगी थर्ड भी होगी फिर एक स्पेशल काउंसलिंग होगी जो डिफेंस वालों के लिए फिर स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए की जाएगी क्लियर नेक्स्ट कोर्स की हम बात करते हैं विच इज एमए जियोग्राफी एम ए जियोग्राफी में 50 सीटें हैं जो कि काफी ज्यादा है एम ए एमएससी ज्योग्राफी ठीक है तो 25 सीट एम ए के लिए है 25 सीट एम एस सी के लिए है और एग्जाम एक ही होता है दोनों के लिए तो यहां पर इन्होंने बोला है कि ये आपने एग्जाम दिया होगा पेपर पैटर्न आपको पता है प्लस फोर आपको मिलेंगे फॉर करेक्ट आंसर एंड माइनस वन फॉर रॉन्ग आंसर और जीरो अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो ठीक है ये पैटर्न था आपका एम ए एम एस जोग्राफी के एग्जाम का और ये जो कट ऑफ है ये मैं आपको लास्ट ईयर के मार्क्स से कंपैरिजन करके बता रही हूँ और ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी उसका कट ऑफ रहेगा फिर सेकंड भी आती है थर्ड भी आती है तो कट ऑफ जो है वो इवेंचुअली डिक्रीज हो जाता है का वन नाइनटी टू ट्वेंटी टू दो हजार बाईस की बता रही हूं मैं ईडब्ल्यूएस एस वन फिफ्टी सेवन ओबीसी वन फिफ्टी फाइव एस सी वन फिफ्टी फाइव एस टी वन फिफ्टी टू डी फिफ्टी नाइन डिफेंस वन जीरो फोर ठीक है इसके बाद में जो 2023 में हो सकता है वो है UR 202 EWS 167 OBC 165 SC 165 ST 162 और यहाँ डिफेंस का 69 और PWD 114 ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इससे अगर ज्यादा है तो आपको डेफिनेटली हो जाएगा लेकिन अगर इससे कम मार्क्स हैं तो आपका तो भी थोड़े बहुत अगर कम मार्क्स है तो भी आपके एडमिशन में लेके चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट अब बात करेंगे अब यहाँ पर मैथ्स की ठीक इस है इसमें भी ये जो एग्जाम है और एग्जाम लेकिन दोनों के लिए एक ही होता है सीट फोर्टी फोर है ठीक है आपने ये एग्जाम दिया होगा प्लस फोर मार्क्स आपको मिलेंगे राइट आंसर के लिए माइनस वन मार्क्स मिले होंगे आपको नेगेटिव आंसर के लिए मतलब आपके रॉन्ग आंसर के लिए ठीक है ये चीज थी अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करें तो दो हजार बाईस से हम कंपैरिजन करेंगे क्योंकि 2022 के पहले सीईटी नहीं होता था यूनिवर्सिटी में और ये जो कट ऑफ है ये मैं आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो आएगी ये उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ इसके बाद सेकेंड भी होती है थर्ड भी होती है तो कट ऑफ जो है वो गिर जाता है ठीक है ज्यादा नहीं ही करता है मैं बता दे रही हूँ क्योंकि सीट्स का मैं आप खुद ही देख रहे हो तो यूआर का 2022 में था 170 सेवेंटी ईडब्ल्यू एस वन थर्टी ओबीसी वन वन SC 101, ST 79, फिर पीडब्ल्यू डी का नहीं अवेलेबल है और डिफेंस का वन वन फोर ठीक है ये था तो यहाँ पर देखो यू आर का वन फोर्टी डब्लू एस का वन फोर्टी दो हजार तेईस में जो हो सकता है ओबीसी वन फिफ्टी वन एस सी वन 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 एस टी एटी नाइन और डिफेंस का वन ट्वेंटी फोर है ये गड़बड़ लिख गया है यहाँ पर डिफेंस का वन ट्वेंटी फोर है और पीडब्ल्यू डी का अवेलेबल नहीं है ठीक है तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग है अगर इससे आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम है भी ना तो भी आपका जो है यहाँ पे एडमिशन के चांसेस है ज्यादा वालों का तो हो ही जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इज दैट क्लियर

ये जो कट ऑफ मैं बता रही हूँ ये मैं आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बता रही हूँ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है और ये 2022 के मार्क्स से कंपेयर किया है मैंने ठीक है 2022 में जो था CUET हुआ है उसके पहले CUET नहीं होता था तो UR का है 239 EWS 171 OBC 213 SC 140 ST 131 PWD का नॉट अवेलेबल और डिफेंस का 239 इसके अकॉर्डिंग जो आपका 2023 में कट ऑफ आ सकता है वो है यू आर का टू फोर्टी नाइन ई डब्ल्यू एस टू जीरो वन ओ बी सी टू टू थ्री एस सी वन फिफ्टी एस टी वन अवेलेबल। इसके बाद रह जाएंगी तो, खाली तो होंगे तो कट ऑफ होकर भी आएगा तो उसके लिए आप परेशान नहीं होना आप नोटिफिकेशन चेक करते रहना अगर सीट खाली रहती देखो सेकेंड काउंसिल तो होगी होगी ये तो गारंटी बात है ठीक है पर थर्ड या फोर्थ हो रही है कि नहीं वो हम कुछ नहीं कह सकते ठीक है वो डिपेंड करेगा सीट खाली रहने पर इज आई क्लियर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कोर्स है एम ए एम एस सी योगिक साइंस तो एम ए एम एस सी योगिक साइंस में भी थर्टी वन सीट्स है ठीक है ये पैटर्न था आपका प्लस फोर मार्क्स आपको मिले होंगे राइट आंसर के लिए और माइनस वन मिले होंगे आपको फॉर रॉन्ग आंसर ठीक है तो ये जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये चेक कर लेना अगर ये सब आप फुलफिल करते हो ना तो ही आपको एडमिशन मिलेगा नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं 2022 के मार्क्स से हम कंपैरिजन करेंगे और ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग दो हजार बाईस का ठीक है बिल्कुल कोई नहीं था कैंडिडेट इसलिए अवेलेबल नहीं है और डिफेंस का वन सिक्सटी सिक्स अब इसके अकॉर्डिंग हम दो हजार तेईस का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूआर का वन नाइनटी EWS 140, OBC 161, SC 90, ST 83, का का 176 और और PWD का निल, क्योंकि नहीं है इसके बाद थर्ड काउंसलिंग होने के भी चांसेस रहते हैं अगर सीट खाली रहती है तो सेकंड तो होगी ही हो होगी थर्ड की हम गारंटी नहीं दे सकते हैं लेकिन एक फिर स्पेशल काउंसलिंग होती है जो डिफेंस वालों के लिए और स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए अलग से होती है आ, एंड में बिल्कुल आखिरी काउंसलिंग वो रहती है ठीक है तो ये हो गया एम एम एस सी योगिक साइंस नेक्स्ट जो कोर्स आता है उसके बारे में हम बात करते हुए यहाँ पर अवेलेबल है है ठीक और यहाँ पर आपने ये पैटर्न में एग्जाम दिया होगा प्लस फोर फॉर राइट आंसर माइनस वन फॉर नेगेटिव आंसर रॉन्ग आंसर ठीक है ये आपने एग्जाम दिया होगा ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये चेक कर लेना आप वैसे तो आपने फॉर्म भरते टाइम चेक करा कर होगा पर फिर भी एक बार फिर से चेक कर लो अब जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाली हूँ ये है आपका 2022 2022 के उससे कंपेयर करके 2022 में CUT हुआ था उसके पहले यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराया था ठीक है अब ये जो कट ऑफ है ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए है ठीक है तो फर्स्ट लिस्ट आएगी ध्यान रखना इसके बाद सेकंड और थर्ड भी आती है तो उनमें जो है सेकंड तो आएगी ही और थर्ड की मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ अगर सीट खाली रहेंगी तो आएगी तो जो है यहाँ पे मार्क्स कट ऑफ जो है इससे थोड़ा थोड़ा कम आएगा ठीक है तो 2022 में यूआर का था 225, ट्वेंटी थ्री पी डब्ल्यू डी वन एटी फाइव और डिफेंस 214 ठीक है अब यहाँ पे 2023 में क्या हो सकता है यूआर का 235, थर्टी फाइव ई डब्ल्यू एस टू जीरो वन ओ बी सी टू वन टू एस सी वन फाइव एस टी वन थ्री डिफेंस टू टू फोर और पी डब्ल्यू डी वन थर्टी फाइव ये रहेगा आपका यहाँ इस साल का एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर इससे थोड़े बहुत आपके कम भी है ना तो टेंशन नहीं लेना आपको हो सीट मिल जाए क्योंकि अभी इसके बाद में लिस्ट भी भी आती होती है नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं हम जो है एमएससी केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री में टोटल सिक्सटी टू सीट्स हैं काफी ज्यादा सीट्स हैं बट एट द सेम टाइम कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है काफी सारे स्टूडेंट्स रहेंगे इस सिक्सटी टू सीट्स के लिए जो है काफी सारे स्टूडेंट्स रहने वाले हैं तो आपने ऑब्वियसली एग्जाम का पैटर्न आप सभी को पता है ये एग्जाम का पैटर्न था प्लस फोर मार्क्स आपको मिलेंगे फॉर राइट आंसर और रॉन्ग आंसर के लिए माइनस वन हो जाएगा आपका और ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है तो अब देखो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताती हूँ जो मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ ये हमारा कट ऑफ दो से कंपेयर करके है क्योंकि उसके पहले यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम लिया करती थी और ये फर्स्ट मैरिट लिस्ट के लिए है ठीक है जो फर्स्ट लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ है तो यू आर का था 160, सिक्सटी 155, एस वन फिफ्टी फाइव ओ बी सी वन फोर्टी नाइन एस सी वन और डिफेंस 139, और यहाँ पे इस साल हो सकता है यू आर का वन सेवेंटी EWS 165, OBC 159, SC 109, ST 103, Defence 149, वन 118 और ये हो सकता है इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आपके मार्क्स इससे थोड़े कम भी हैं, 2022 के अकॉर्डिंग भी है तो भी आपका एडमिशन होने के चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा ज्यादा वाले मार्क्स वालों का तो हो ही जाएगा बाकी अगर कम मार्क्स वाले टेंशन लेते हैं उसकी भी टेंशन मत लो क्योंकि थर्ड काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग के भी चांसेस रहते हैं फिर स्पेशल काउंसलिंग होगी डिफेंस कोटा और स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए तो जो है यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है तो आपके चांसेस हो जाएंगे एडमिशन के अगर आपके इन इन मार्क्स के अकॉर्डिंग मार्क्स हैं तो ठीक है चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेंसिक फॉरेंसिक साइंस साइंस नाउ फेवरेट सब्जेक्ट ठीक है, Science, subject, है? में सिर्फ और सिर्फ पच्चीस सीट है और कॉम्पिटिशन का जो हम बात करते हैं वो बहुत ही ज्यादा इन पच्चीस सीट के लिए जो है कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइट करने वाले हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपका नाम होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में ही सीट फुल हो जाते हैं मोस्टली ठीक है सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं वो भी तब अगर किसी ने एडमिशन कैंसिल करा दिया हो या फिर किसी ने जो है यहाँ पे फीस फिल ना करी उनका नाम आया हो तो वो सीट खाली रह गई हो तो सेकेंड थर्ड काउंसलिंग होती है फिर होती है स्पेशल काउंसलिंग जो कि होती है स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए और डिफेंस वालों के लिए ठीक है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये पैटर्न था आपका प्लस फोर मार्क्स आपको मिलेंगे राइट आंसर के लिए और माइनस वन मिलेगा आपको फॉर रॉन्ग आंसर ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आपने बीएससी कर रखी किसी भी सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल हो ध्यान रखना किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने करी है तो आप एलिजिबल हो ठीक है अब नेक्स्ट हम तो बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको 2022 के अकॉर्डिंग बताऊंगी क्योंकि मेरे टाइम पे तो यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी का खुद का एग्जाम हुआ करता था ये यूईटी पिछले साल से ही स्टार्ट हुआ है तो यूआर का 224 था ईडब्ल्यूएस 204 ओबीसी 210 एससी 211 एसटी 185 पीडब्ल्यूडी 181 और डिफेंस 215 देख सकते हो आप कट ऑफ काफी ज्यादा जाता है क्योंकि अगेन कंपटीशन ज्यादा है तो कट ऑफ भी हाई जाता है और इस बार भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ काफी हाई जाने वाला है जो कि रहेगा यू का 234, थर्टी फोर ई 220, एस 222, वन फोर टू 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 एस वन डिफेंस टू और पीडब्लू 191। ये है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अब अगर इसके बाद में मान लो सीट्स खाली रह जाती हैं, तो फिर सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग के चांसेस रहते हैं और कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो जाता है ठीक है तो ये था एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए कट ऑफ और मैं एक बात बता दूं मैं इसी चैनल पे फॉरेंसिक साइंस के लेक्चर्स भी लेती हूं तो अगर आपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं करा तो कर, कर लेना और नोटिफिकेशन uh, बेलकन को प्रेस कर लेना फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड आपको सारी गाइडेंस मैं यहीं ब देती हूँ क्योंकि एक बात बता दू मैंने इसी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही फॉरेंसिक साइंस में की हुई है सो आई गेस आई आई एम केपेबल टू गाइड यू एंड आई वॉन्ट की मैं आप सभी को गाइडेंस लूँ जितना ज़्यादा हो सकता है

ठीक है अब यहाँ पे एम एस सी फिजिक्स का इस साल कट ऑफ क्या हो सकता है इज डिफेंस थर्टी सेवन ये है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कट ऑफ आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी वो इसी मार्क्स के बेसिस पर आएगी इसके बाद में सेकेंड भी होगी थर्ड भी होगी अगर सीट खाली रह जाती है तो होगी इस चीज का भी ध्यान रखना एवरी वन तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अगर इस मतलब 2022 2023 इतने मतलब दो हजार बाईस और दो हजार तेईस के अकॉर्डिंग इतने नंबर है आपके इतने बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपके चांसेस जो है एडमिशन के काफी ज्यादा है इससे ज्यादा मार्क्स हैं तो, तो आपका हो ही जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे MSC Zoology. MSC Zoology में आपको पता ही था, का आपको ही पता था का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी ग्रेजुएशन जूलॉजी से ही होना जरूरी है ठीक है जूलॉजी अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो टोटल सीट्स आप देख रहे हो थर्टी सेवन सीट्स हैं तो सीट्स काफी कम है पर जो है यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मैरिट लिस्ट आएगी फर्स्ट कट ऑफ आएगा वो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बता रही हूँ और 2022 से हम कंपैरिजन करेंगे क्योंकि इसके पहले यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते थे तो उनसे कंपेरिजन करने का सेंस नहीं है। पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है तो यू का था टू थर्टी ईडब्ल्यू एस टू जीरो नाइन ओबीसी एस सी वन एटी एट एस टी वन सिक्सटी थ्री पीडब्ल्यू डी वन फोर्टी एट और डिफेंस का वन नाइनटी नाइन अब इस साल जो कट ऑफ हो सकता है वो होगा यू आर का टू फोर्टी ई डब्ल्यू एस टू वन नाइन एस ओ बी सी टू टू फाइव एस सी वन नाइन्टी एट एस टी वन सेवेंटी थ्री डिफेंस टू जीरो नाइन और पी डब्ल्यू डी वन फिफ्टी एट ठीक है तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है फर्स्ट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग है इसके बाद सेकंड के भी चांस होते हैं थर्ड के भी चांस होते हैं तब जब सीट खाली रह जाए ठीक है इसके बाद में सारी काउंसलिंग होने के बाद में एक स्पेशल काउंसलिंग होती है जो डिफेंस कोटा और स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए होती है वो लास्ट होती है उसके बाद में कोई भी काउंसलिंग होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं समझ में आ गई तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अगर 230 से 240 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन होना पक्का है इज दैट क्लियर आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये सारे कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है अगर आप फॉरेंसिक साइंस वाले हैं तो आपको पूरी की पूरी गाइडेंस मिलेगी मेरे मेरी तरफ से इसी चैनल पर सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टिल देन टेक केयर बाय बाय